नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। जातीय जनगणना को लेकर एनडीए में मचे घमासान के बीच बिहार की सरकार संकट में आ सकती है। आपको बताएं कि अब सीएम नीतीश कुमार के पास दो ही रास्ते हैं, या तो सीएम नीतीश कुमार अपने बजट में राज्य की जातीय जनगणना करवाए, या फिर एनडीए सरकार से राम राम कह दे। आपको बता दें कि जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार सामने आकर मुखर होकर लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार का कहना है कि इस बार 2021 में जातीय जनगणना कराना संभव ही नहीं है। ऐसे में अब भी सीएम नीतीश कुमार लगातार आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र को अपने फैसले पर सोच विचार करने की जरूरत है, केंद्र जो फैसला लिया है वो गलत है, और ऐसे में ये जरूरी है कि इस बार देश में जातीय जनगणना करवाया जाए। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार अपने फैसले पर अड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हुए कहा है कि ये उनका निर्गत फैसला है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले में दखल ना दे। ऐसे में अब एनडीए के बीच जो है वो घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताएं कि बिहार में 10 पार्टियों में से 9 की राय जो है वो एक जैसी है, लेकिन बीजेपी की जो सोच है, बीजेपी की जो प्लानिंग है या जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी की जो राय है वो इन 9 पार्टियों से पूरी तरह से अलग है, और यही वजह है कि ये जातीय जनगणना को लेकर बिहार में जो है बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार विपक्ष की तरफ से मांग तो की ही जा रही है, साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार भी खुलकर ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का जो फैसला है वो गलत है, ऐसे में फैसले को बदलने की जरूरत है। यानी कि अगर केंद्र सरकार अपना फैसला नहीं बदलती है तो सीएम नीतीश कुमार क्या करेंगे, सवाल ये भी है, क्योंकि एनडीए सरकार में जदयू अब बीजेपी के साथ है, गठबंधन में है। ऐसे में कई बार ऐसा देखा गया है कि सीएम नीतीश कुमार की राय और बीजेपी की राय एक जैसी नहीं होती। कोई भी फैसला अगर बीजेपी की तरफ से लिया जाता है, चाहे वो सीए एनआरसी का हो या फिर जातीय जनगणना को का लेकर हो, हर फैसले में सीएम नीतीश कुमार की जो राय है वो पूरी तरह से जो है वो अलग दिखाई देती है, और यही वजह है कि दरार की जो खबरें हैं एनडीए में वो अब सामने आ गई है। ऐसे में ये जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सीएम नीतीश कुमार ने जब केंद्र सरकार से मुलाकात भी की थी, जब उन्होंने पीएम मोदी से वो मिलकर मीडिया से उन्होंने बातचीत की, तो उनका साफ तौर से कहना था कि उन्हें इस बात का पूरा विश्वास है, उन्हें यकीन है इस बात पे कि केंद्र सरकार उनके इस बात को सुनेंगी और ये जातीय जनगणना नहीं करवाने का जो फैसला है उसे केंद्र सरकार बदल देगी। लेकिन जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार को झटका लगा जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, उसके बाद से अब बिहार में एक बार फिर जातीय जनगणना को लेकर जो मांग है वो तेज हो गई। ऐसे में अब सीएम नीतीश कुमार क्या करेंगे, जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसके जो मुताबिक अगर हम देखें तो अब सीएम नीतीश कुमार के पास दो ही रास्ते बचते हैं। पहला ये कि वो अपने जो है अपने बजट पर बिहार में जातीय जनगणना करवाए, या फिर वो एनडीए सरकार से ही अलग हो जाए, क्योंकि जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार बिहार के जनता के विकास की बात करते हैं, उनका कहना है कि वो जनता के लिए ही काम करते हैं, उनकी सरकार जनता के लिए ही दिन रात जुटी रहती है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से ये वादा भी किया है कि इस बार देश में और बिहार में वो जातीय जनगणना करवा कर रहेंगे, लेकिन सबके बीच केंद्र अपने फैसले पर अड़ी हुई है और सीएम नीतीश कुमार अपने फैसले पर। देखने वाली बात होगी कि सीएम नीतीश कुमार दोनों रास्तों में से किस रास्ते को चुनते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैसला है। अगर केंद्र सरकार अपने फैसले को नहीं बदलती है तो सीएम नीतीश कुमार को दो रास्तों में से एक रास्ता चुनना होगा। पहला रास्ता तो ये कि राज्य सरकार अपने बजट पर अगर गणना करवाती है तो भी एनडीए में दरार आएगी, और अगर वो एनडीए को छोड़ कर जो है एनडीए में से वो राम राम कह के खुद ही अलग हो जाते हैं तो भी बिहार में जो है वो बड़ा बवाल देखने को मिलेगा। तो देखने वाली बात होगी ये कि सीएम नीतीश कुमार का फैसला क्या होता है। आपको बताएं कि दिल्ली में जो है अमित शाह से हुई बैठक के बाद जब सीएम नीतीश कुमार ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की तो उस वक्त भी उनका कहना था कि देश में और बिहार में जातीय जनगणना करवाया जाएगा, और इसको लेकर जो निर्णय है वो
बिहार वापस आकर सीएम नीतीश कुमार लेंगे। आपको बताएं कि जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार जब बिहार आकर बैठक करेंगे, सबके साथ मिलकर जब वो बातचीत करेंगे तो जातीय जनगणना कराने का फैसला ही उनकी तरफ से लिया जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि सीएम नीतीश कुमार किस फैसले को चुनते हैं, दोनों राहों में से वो किस राह पर चलते हैं और जातीय जनगणना को लेकर आगे क्या कुछ सीएम नीतीश कुमार की तरफ से किया जाता है। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।